हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर एंड टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ द हैलोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स, या फिर सिंपली हम इसको कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन, दैट मीन्स हैलोजन के डेराइव्स होते हैं। यस, इनके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सो लेट्स गो स्टार्ट दैट चैप्टर। फर्स्ट वी कंसिडर इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। What do you mean by alkyl halides and aryl halides? How can we explain or define alkyl halides and aryl halides? So alkyl halides or aryl halides, these are halogen derivative of aliphatic and aromatic hydrocarbons. Yes, alkyl halides and aryl halides, these are derivatives of hydrocarbons of aliphatic and aromatic compounds. These are halogen derivatives of aliphatic, that is alkyl halides, and aromatic aryl halides. हाइड्रोकार्बन्स। यस, ये एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उनके क्या होते हैं, डेराइव होते हैं। एल्किल हैलाइड जो होते हैं इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। Rx and haloarenes or aryl halides Rx, here R is equal to alkyl group and AR is aryl group, yeah, aryl group. If we consider general formula of alkyl halides, that is haloalkanes. CnH2n plus 1x. Here x is represented the halogen group. So x is equal to, here maybe fluorine, chlorine, bromine or iodine. Yes, this is general formula of alkyl halides. Only aliphatic के फॉर्म हम कंसिडर करते हैं उसको कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली वन एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूट्स और रिप्लेस बाय हैलोजन एटम्स टू फॉर्म एल्किल हैलाइड्स। यस, इफ यू कंसिडर दिस इज अ सी एच फोर मिथेन, दिस इज कंटेन फोर कार्बन, वी नो कार्बन हैव फोर वैलेंसीज। वैन इट ट्रीटेड विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, CH3X, that means this is alkyl halides.
इसमें वन हैलोजन हाइड्रोजन एटम जो है क्या हो गया एक्स, यहाँ पे हैलोजन है कुछ भी हो सकता है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन से सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनाया एल्किल हैलाइड बनाया। दिस इज एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। एंड इन द केस ऑफ एरिल हैलाइड्स दिस इज बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरिल हैलाइड्स दैट मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीनाइट कंपाउंड्स। This is aryl halides. This is aliphatic hydrocarbon. This is aromatic hydrocarbons. तो alkyl halides and aryl halides होते हैं क्या होते हैं, these are derivative of hydrocarbons. Aliphatic and aromatic hydrocarbons के क्या होते हैं, derivatives होते हैं, इनके थ्रू इसको अपन बना सकते हैं। When more than one or more than one hydrogen atoms of the hydrocarbons are replaced or substituted by halogen group, then we obtain हेलो एल्केन्स दैट इज एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। यस, इफ यू कंसिडर एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स, सो मैनी नेचुरली एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स आर फाउंड इन नेचर, सच एल क्लोरम फिनेकोल्स इज फाउंड इन नेचर एंड दिस इज सिंथेसाइज बाई माइक्रो ऑर्गनिज सॉइल माइक्रो ऑर्गनिज एंड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड, टाइफाइड है टाइफाइड के लिए इसको यूज लेते हैं, किसको क्लोरम फिनेकोल, एक ये नेचुरल एल्किल हैलाइड जो होता है, कुछ एग्जांपल्स थोड़ा याद रखना। क्लोरम फिनेकोल जो होता है क्या होता है, ये नेचुरल अकरिंग एल्किल हैलाइड है। ये सोयल माइक्रो ऑर्गनिज है उसको प्रोड्यूस करती है, सोयल माइक्रो ऑर्गनिज होती है सोयल के अंदर मिलने वाली माइक्रो ऑर्गनिज होती है इसको प्रोड्यूस करती है। और कहाँ आता है ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइफाइड्स, ट्राइफाइड जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जो रहते हैं। बहुत सारे सिंथेटिक एल्किल हैलाइड्स भी होते हैं, लाइक क्लोरोक्विनिन जो होता है क्या करता है, मलेरिया जो होता है मलेरिया के लिए यूज लेते हैं, क्विनिनोल कह सकते हैं क्लोरोक्विनिन जिसको बोलते हैं, ये सिंथेटिक एल्किल हैलाइड्स होता है। टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया हैलोथिन जो होता है सर्जरी में जो है वो एनाथीसिया के फॉर्म में यूज लेते हैं, ये भी क्या है सिंथेटिक हैलाइड्स है। और इसके अलावा बहुत सारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं सिंथेटिक एल्किल हैलाइड्स, इसमें डीडीटी है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेटा क्लोराइड है, फॉसिन है, सॉरी हाँ फॉसिन भी इसका ही एग्जाम्पल है, COCl2 के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, गैमेक्सिन है, लिंडेन है, यस मस्टर्ड ऑयल गैस है, टीयर गैस है, ये सभी जो है क्या होते हैं सिंथेटिक एल्किल हैलाइड्स के कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ जो होते हैं क्या होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा इन फॉर्म में इसको अपन यूज ले सकते हैं। यस, तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। नाउ वी कंसिडर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स तो देखिए कॉमन नाम है, आईपीसी में इसको हैलो एल्केन बोलते हैं। फर्स्ट वी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स,
फर्स्ट अपन क्लासिफिकेशन करते हैं कि स्पेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे अकॉर्डिंग करते हैं। हैलोजन एटम्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम जो है एल्किल हैलाइड्स को फॉलोइंग क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स, पॉली हैलाइड्स। मोनो हैलाइड्स दैट मीन्स एल्किल और एरिल हैलाइड्स दे हैव वन हैलोजन एटम्स, वन हैलोजन एटम्स कंटेनिंग एल्किल और एरिल हैलाइड्स। डाई हैलोजन्स, टू हैलोजन एटम्स कंटेनिंग एल्किल और एरिल हैलाइड्स। एंड पॉली हैलाइड्स, एल्किल और एरिल हैलाइड्स विच कंटेन्स थ्री और मोर देन थ्री हैलोजन एटम्स आर नोन एज ट्राई हैलाइड्स। सो मोनो हैलाइड्स दैट मीन्स वन हैलोजन एटम्स कंटेनिंग। Containing alkyl and aryl halides. Yes. Such as CH3CH2 X. X. This is mono halides, that means one halogen atoms. Dihalides, that means two halogen atoms containing alkyl or aryl halides. Alkyl and aryl halides. Yes, such as अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, डाई हैलोजन जो है डाई हैलाइड को फर्दर अपन थ्री क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? जेम डाई हैलाइड्स, विच डाई हैलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, डाई हैलाइड्स। जेम डाई हैलाइड्स, विस डाई हैलाइड्स, एंड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। अल्फा डब्लू कह सकते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। विस डाई हैलाइड्स दैट मीन्स टू हैलोजन एटम्स होते हैं, दोनों के दोनों हैलोजन एटम्स होते हैं। कहाँ होते हैं, किस पोजिशन पर होते हैं? एट एडजस्ट कार्बन एटम्स, this halogen and this halogen, this position is adjacent carbon atoms. Which dihalides? Both halogen atoms are at the same carbon atoms. And alpha omega alkyl halides, halogen atoms are found first and last, that means two ends hote, two ends pe halogens hota hai. Agar is carbon ko, if we consider this carbon is alpha carbon, then this carbon is omega carbon. Vicinal position, geminal position, vicinal position and alpha omega position. This is a dihalides. Yes, aromatic mein bhi consider kar sakte hain dihalides mein. XX. Yahan pe dihalides mein dono X same bhi ho sakte hain aur differ bhi ho sakte hain, dono both halogen jo hai same bhi ho sakte hain, alag bhi ho sakte hain, differ bhi ho sakte hain. Third we consider polyhalides. Three or more than three halogen atoms.
यस एग्जाम्पल के हम कंसिडर कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एरोमेटिक एलिफैटिक को भी कंसिडर कर सकते हैं जिसमें दिस इज अ पॉलीहैलाइड्स, थ्री और मोर देन थ्री हैलोजन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज पॉलीहैलाइड्स, एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। यस मोनोहैलाइड्स से, अब मोनोहैलाइड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मोनोहैलाइड्स को फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं थ्री क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या कार्बन एटम्स। मोनोहैलाइड्स है, मोनोहैलाइड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, मोनोहैलाइड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यस मोनोहैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कह सकते हैं, नेचर ऑफ कार्बन कह सकते हैं, प्राइमरी एल्किन हैलाइड्स, एल्किल और एरिल, दैट मीन्स दिस इज नॉन एज 1 डिग्री सेकेंडरी, दिस इज 2 डिग्री एंड टर्शियरी, थ्री डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिक हमें लर्न रखना है प्राइमरी में क्या होता है। दिस इज 1 डिग्री इफ यू कंसिडर दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन दैट मीन दोज कार्बन विच कंटेन हैलोजन एटम्स, दैट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं जिस कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन को हमने क्या बोला, अल्फा कार्बन। ये कार्बन इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो 1 डिग्री जो होता है उसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन के साथ एक एल्किली ग्रुप अटैच हो, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच हो, या फिर हम सेकेंड वर्ड में ये भी कह सकते हैं अल्फा कार्बन विच कंटेन टू हाइड्रोजन इज नॉन एज 1 डिग्री। 1R जो है एल्किल ग्रुप होता है, 2 अल्फा कार्बन, या फिर 2H विद अल्फा कार्बन, दिस इज 1 डिग्री एंड इन द केस ऑफ 2 डिग्री आर एंड आर डैश यहाँ पे सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने आर और आर डैश बताया, मतलब यहाँ पे अलग अलग रखा है, और यहाँ पे सेम ग्रुप भी हो सकता है। तो इसमें बता सकते हैं दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप होना 2 डिग्री, या फिर अल्फा कार्बन के साथ 2 और कार्बन, या अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच होता है कार्बन उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ 2 बीटा कार्बन्स का अटैच होना, या फिर अल्फा कार्बन विच कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम्स। टू एल्किल ग्रुप अटैच, 2 अल्फा कार्बन और 1H विथ अल्फा कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री एंड इन 3 डिग्री दिस इज अल्फा कार्बन, आर आर डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने आर जो है एल्किल ग्रुप डिफर लिए है। तो यहाँ पे क्या है, 3 बीटा कार्बन विथ अल्फा कार्बन, या फिर 3 एल्किल ग्रुप विथ अल्फा कार्बन, या फिर 0 H एटम विथ
अल्फा कार्बन इज 3 डिग्री. यस दिस इज अ टर्शियरी. एक बार और समझिए, अल्फा कार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन्स या एल्किल हैलाइड, जिसमें क्या होता है, जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच होता है, उस कार्बन को हम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. फिर देखते हैं अल्फा कार्बन के साथ में और कितने कार्बन अटैच है डायरेक्टली. वन अल्फा कार्बन के साथ में वन मोर कार्बन अटैच है, दैट मीन 1 डिग्री. 2 कार्बन्स 2 डिग्री. 3 कार्बन्स 3 डिग्री. सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं अल्फा कार्बन. Yes. Now we consider second classification of alkyl halides and aryl halides on the basis of hybridization state of carbon. जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है या अल्फा कार्बन जिसको मैं बोलता हूँ, उस अल्फा कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन. On the basis of hybridization state of ये CX कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन विच कंटेन हैलोजन एटम्स, जिसके साथ हैलोजन अटैच हो. जो हैलोजन एटम्स जो हैलोजन एटम्स जिस कार्बन के साथ अटैच, उस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्दर टू क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट पर ले रहे हैं कौन सा, sp3 हाइब्रिड. sp3 हाइब्रिड ये CX एटम जो है, sp3 में फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं. इसमें क्या करते हैं, बेंजाइल हैलाइड्स. कॉमनली नेम जो है, कॉमन याद रखे, बेंजाइल हैलाइड्स में क्या होता है, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज कार्बन एंड दिस इज हैलोजन. ये कार्बन है, इस कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट कैसी है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है. इस sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ क्या हैलोजन अटैच है, यहाँ पे हैलोजन जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है. ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, और sp3 के बाद में जो ये कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है. ये कार्बन इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन. दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइल कार्बन. बेंजाइलिक कार्बन जो होता है, बेंजाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन का अटैच होना बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे. सेकंड इसमें कंसीडर करते हैं एलिलिक हैलाइड्स. एलिलिक हैलाइड्स में क्या होता है, दिस कार्बन इज नोन एज एलिलिक कार्बन, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है. और sp3 हाइब्रिड जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है. या फिर हम कह सकते हैं एलिलिक कार्बन जो होता है क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं एलिलिक बोलते हैं हैलाइड्स.
यस। और थर्ड जो सिंपली हम कंसिडर करें तो एल्केन तो फॉलो होता ही है। या एल्किल हैलाइड्स को कंसिडर करते हैं, एल्किल हैलाइड्स में जो लिनियरली कंपाउंड होते हैं डायरेक्टली हम कंसिडर कर सकते हैं। यस दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ये एल्किल हैलाइड्स हैं जहाँ पे हैलोजन जो है डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड्स कार्बन उसके साथ अटैच होता है। यस तो हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेंजैलिक और एलैलिक में। बेंजैलिक में ये बेंजैलिक कार्बन होता है जो अल्फा कार्बन जिसको कंसिडर करते हैं, अल्फा कार्बन डायरेक्टली एरिन रिंग जो होती है उसके साथ अटैच होता है। और एलैलिक में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है वो कार्बन जो होता है क्या होता है उसका एडजेसेंट कार्बन कंसिडर कर सकते हैं, वो कैसा होता है sp2 हाइब्रिड होता है, दैट मीन्स वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। यस सेकेंड पर कैसे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है sp2 की जगह क्या लेते हैं, सॉरी sp3 की जगह sp2 हाइब्रिड्स कंसिडर करते हैं। sp2 हाइब्रिड्स कार्बन हैलोजन एटम्स जिसके साथ में जो कार्बन अटैच हैलोजन अटैच है वो कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिड्स है। विनाइलिक हैलाइड्स कॉमन नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, दिस कार्बन इज नॉन एज विनाइलिक कार्बन। यस विनाइलिक हैलाइड्स एरिन हैलाइड्स एरिल कह सकते हैं, एरिन कह सकते हैं, बेंजाइल बेंजीन कह सकते हैं, एरिल हैलाइड्स कंसिडर कर सकता हूँ मैं। जो एरोमेटिक रिंग जो होती है बेंजीन जो होता है बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होना ये भी इसकी विनाइलिक पोजिशन है। सॉरी वो एलिलिक पोजिशन थी। एरिल हैलाइड्स में क्या होता है एरोमेटिक रिंग जो होती है बेंजीन रिंग जो होती है एरिन रिंग जिसको बोलते हैं उसके साथ डायरेक्टली हैलोजन का अटैच होना, ये सभी इनके एग्जांपल्स है। यस तो ये बेसिक जो है हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन पढ़ा किसका पढ़ा एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स कॉमन इंट्रोडक्शंस क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं क्या उसके बेसिस होते हैं। यस इसके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो जो उसमें अपन आगे पढ़ेंगे एक तो कार्बन हैलोजन जो है बॉन्ड है उसकी बॉन्ड की नेचर, उसके बाद में जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है GMP जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। यस तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।